गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नाउ स्टार्ट योर क्लास. 4.3 तक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें कि अपन ने ओपन और क्लोज कर्व पढ़े थे. अब आता है नंबर एंगल. एंगल्स क्या होते हैं? तो एंगल की डेफिनेशन है, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज विद अ सेम इनिशियल पॉइंट. एंगल्स जो होता है एक तरीके की एक आकृति होती है, जिसमें कि दो रेज आपस में ज्वाइंट होती है लेकिन उनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं. इनिशियल का मीन्स होता है जहाँ से रे बनना स्टार्ट होती है, यानी कि उसका जो इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है और दो रेज से मिलकर एंगल बना होता है. ठीक है. द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. जो इनिशियल पॉइंट है यानी कि दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट है वो उसका क्या कहलाता है? वर्टेक्स ऑफ द एंगल. इनिशियल पॉइंट कौन सा? जैसे मान लीजिए एक रेज ये है, एक रेज ये है. ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका इनिशियल पॉइंट ये हुआ, और ये वाली जो रेज है वो भी यहीं से स्टार्ट हो रही है तो इसका इनिशियल पॉइंट भी यही हुआ. यानी कि जो ओ है इसको अपन ओ नाम दे देते हैं, तो ओ है वो इस रेज का भी इनिशियल पॉइंट है और इस रेज का भी इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, तो जो इनिशियल पॉइंट है इसी को अपन जो पॉइंट से इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ वर्टेक्स. इसको क्या बोलते हैं अपन? एंगल ऑफ वर्टेक्स या वर्टेक्स ऑफ द एंगल. एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ साइड्स. और ये जो रेज होती है वो क्या कहलाती है? आर्म्स कहलाती है, या फिर साइड भी आप इसको बोल सकते हैं. नेमिंग एन एंगल. एंगल को नाम किस तरह से दिया जाता है ये इसमें बताया गया है. तो यही अपन ने जो एंगल लिया है इसी को नेम दे देते हैं अपन. ओ ये ए है और ये बी. ठीक है, तो देखिए आप इन फिगर द एंगल कैन बी नेम्ड एंगल ए ओ बी, ए ओ बी और बी ओ ए, बी ओ ए. ठीक है, एंगल को डिनोट करने के लिए हमेशा इस तरह का साइन यूज होता है. हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह का साइन जहाँ पर भी लगा हुआ है तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये किसी अल्फाबेट का नाम है नहीं, तो अपन को इससे कुछ ना कुछ तो नाम इसको बोलना पड़ेगा ना, तो इसको एंगल बोला जाता है, ये एंगल. तो अब अपन इसको अगर लिखना चाहेंगे कि अपन को इसका नाम लिखना है, इस आकृति का, इस फिगर का अपन को नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे? ए ओ बी, यानी ए ओ बी. ये सेंटर में आना चाहिए. सेंटर में क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी और इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, और इसको अपन एक नाम दे सकते हैं. क्या दे सकते हैं? बी ओ ए. देखिए दोनों का सेंटर सेम है ना, क्योंकि दोनों के इनिशियल पॉइंट भी सेम है तो इनका सेंटर भी सेम होगा. अब आता है इंटीरियर और एक्सटीरियर. ठीक है, इंटीरियर का मीन्स जैसा कि नाम से अपन को समझ में आ रहा है, इंटर यानी अंदर, एक्स यानी बाहर. कोई भी चीज़ इंटरनल यानी अंदर की बात हो रही है और एक्सटर्नल यानी बाहर. इंटीरियर यानी कि जो ये फिगर दिया हुआ है इसके अंदर जो भी एंगल्स होंगे या जो भी पॉइंट्स होंगे वो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे, और इसके बाहर जो पॉइंट होंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे. ठीक है, तो इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन देख लीजिए. द पार्ट ऑफ द प्लेन विच इज विथ द आर्म्स ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस्ड आइडेंटिफाई इनडेफिनेटली इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल. यानी कि जो आर्म्स के अंदर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल. एंड एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ द प्लेन विच इज आउटसाइड द आर्म्स ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इस कॉल्ड एन द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर के होते हैं. आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं पी एंड
इंडिया मेंबर है। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, पी और क्यू, क्योंकि ये क्या होंगे, क्यों होंगे क्योंकि ये आर्म्स के अंदर है, और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, आर ओ एस, आर एम एस, ठीक है, क्या होंगे एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब कुछ एक्सरसाइज पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन फिगर राइट अनदर नेम फॉर द फॉलोइंग एंगल्स, इनके आपको नेम बताने हैं। देखिए अपन क्या दिया हुआ है, फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर क्या दिया हुआ है, बाहर एंगल होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद में
जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी इसी पर बेस्ड है, इस कंसेप्ट पर, तो वो आप कर सकते हैं और पीडीएफ के थ्रू आप तक मैं पहुंचा भी दूंगी। उसके बाद में आपकी 4.5 और 4.62 एक्सरसाइज बचती हैं, जो कि एंगल्स की जो कैटेगरी है, यानी एंगल्स कितने टाइप के होते हैं वो उसमें बताया गया है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।